अखबारात में भी हर अखबार में संभाजी नगर के बजाय औरमत के बजाय संभाजी नगर लिखे जा रहा। अल्लाह का एहसान है भी हम तो हमको कोर्ट के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं आया, इसलिए हम कोर्ट हो या पुलिस हो या कलेक्टर ऑफिस हो या तहसील हो सब जगह हम औरमत लिख के देते हैं आज भी। और अगर चाहे कभी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो फैसले को तो हम मानेंगे, लेकिन फैसले को मानने के बाद जिस तरह इससे पहले राजीव गांधी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए कानून बदला, उस तरह से हम भी इंशाल्लाह ताला आने वाली जो भी हुकूमत रहेंगी उसके ऊपर जोर डालेंगे, दबाव डालेंगे और कानून बदलेंगे। ऐसी बीमारी लग गई कि उन्होंने खाली यूट्यूब में हमारे बाइट्स आना चाहिए, हमारी न्यूज आना चाहिए, हमारी फोटो आना चाहिए, ये मकसद के लेकर आगे बढ़ने वाले बहुत सारे ज्यादा लोग थे पिटिशन दाखिल। और कुछ लोग तो पिटिशन के जरिए एमएलए बनने की भी ख्वाब देख रहे हैं, जबकि मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि 1996 में मैंने इस्ते लाया और 2000 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मुझे कॉर्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए, लेकिन अभी तारीख जो है तो आगे पीछे भी हो सकती, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है, हम ना उम्मीद नहीं हुए। देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। जी आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। औरंगाबाद में हैं और आप सब देख रहे हैं औरंगाबाद तक। देखते रहे, नाम न बदल जाए जब तक। कह नहीं सकते कब नाम बदल दे यार, इतना खूबसूरत नाम है औरंगाबाद। हमारी तीन पीढ़ियों से यही बोलते आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं हम भी यही बोले हैं, हमारे बच्चे भी यही बोले, तो आप देखें औरंगाबाद तक। थैंक यू भाई जान। थैंक यू। आप सब जानते हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का तकरीबन हुकूमत का फैसला हुआ है। और ये फैसला असल में 1995 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ली थी, उसके खिलाफ हम लोग उस वक्त एक महाराष्ट्र लेवल के हमने इलेक्शन का नामांतर विरोधी कृति समिति बनाई थी, और ये कृति समिति ने औरंगाबाद नामांतर की लड़ाई लड़ी है। और उसके बाद से उस्मानाबाद, अब अहमदनगर भी हो रहा है जिसमें अहमदाबाद का भी नाम बदला है, तो मुस्तकिल नाम बदलने की एक महाराष्ट्र में एक दौड़ लगी है। तो नामांतर विरोधी कृति समिति किसी भी किस्म के और किसी के भी नाम बदलने के खिलाफ, पहली बात। उसकी वजह यह है कि नाम बदलना ये विकास का काम नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी विकास का काम करना है, जनता की जिम्मेदारियों को, जनता के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और हर समाज को साथ लेकर चलना है। लेकिन आज जो ये नामांतर की मुहिम चलाई जा रही है, इसके जरिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे महाराष्ट्र में खासतौर से एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटीज के लिए ये, क्योंकि हम हिंदुस्तान में दस्तूर के मानने वाले हैं, एक जमहूरी मुल्क के हम नागरिक हैं, दस्तूर को मानने वाले हैं और इंसाफ पर हमारा यकीन है, इसलिए हम जब हमारी बात गवर्नमेंट नहीं सुनती है तब अदालतों के सामने जाते। 1995 में ये हुआ, बात नहीं सुनी गई, यहाँ तक कि औरंगाबाद हाईकोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हम 96 में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को गौर से सुनी, मानी और उसको स्टे जारी किया। और वो स्टे जारी करने के बाद कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदली, और वो गवर्नमेंट ने आकर जो नोटिफिकेशन शहरों के नाम बदलने के लिए दिए निकाले गए थे उसको वापस ले लिया। लेकिन जब हमारी पिटिशन फाइनल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इन्फॉर्म किया कि ये नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि भाई आपका पर्पस सॉल्व हो गया है, इसलिए आपकी पिटिशन इंफ्रक्शस हो गई, इसलिए हम इसको डिस्पोज ऑफ करते। लेकिन आज हैरत अंगेज बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर क्लोज हो जाता है वो जस रेस जुडिकेटा के तहत वापस नहीं ला जा सकता, एक्ट है। लेकिन आज की हुकूमतें ना अदालतों को मानती है ना जनता को मानती है और अपने मनमाने फैसले करती है। हालांकि इस बार ये हुआ है कि 10 साल की डिक्टेटरशिप के खिलाफ जनता ने वोटिंग की और 400 के ख्वाब देखने वालों को 200 के अंदर लपेटने का काम जनता ने किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी नशा नहीं उतरी। अभी आपने देखा कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया इसको गवर्नमेंट ने बगैर प्रोसीजर कंप्लीट किए कि जो इसके प्रोसीजर्स हैं कि शहर का नोटिफिकेशन आपको निकालना है उसके लिए
1953 की गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस का पहला खलम यह है कि हिस्टोरिकल सिटीज के नाम बदले नहीं जा सकते, उसको इन्होंने टेबल में डाल दिया, उसको पैर तले रोन दिया। दूसरा मुद्दा उस पर यह था कि जो अगर इत्तेफाक से कहीं नाम बदलते हैं, दूसरा नाम देते हैं, वो नाम पूरे स्टेट में कहीं भी किसी गांव का भी नहीं होना चाहिए। और ये नाम जो यहाँ दिया जा रहा है, ये पश्चिम महाराष्ट्र के 3 तालुकों का नाम। हमारा एक्सवाइजेड नाम का विरोध नहीं है, हमारा ये एक समाज है और समाज को बांटने का, समाज को लड़ाने का, समाज में फूट डालने का ये जो धंधा कुछ लोग कर रहे, हमारा इसको विरोध होना ये चाहिए था। अगर किसी की ख्वाहिश है तो दोनों समाज के लोगों के साथ बिठा कर बातचीत करके निगोशिएशन के जरिए कोई मसला हल किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। जैसा आपने देखा कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतर हुआ, हर समाज को साथ बिठाकर शरद पवार साहब ने कोशिश की और मराठवाड़ा को भी कायम रखा और बाबा साहब को भी मिला दिया और इस तरह से दोनों समाज का समाधान हुआ, ना बदला गया। यहाँ पर एक समाज को दबाने का काम किया गया, उसको सताने का काम किया गया, उसके मर्जी के खिलाफ एक तरफा फैसला लिया गया और गैर कानूनी फैसला लिया गया औरंगाबाद का नाम बदलने का काम। हमने हमारी नामांतर कमेटी ने उसका विरोध किया और हमने हाईकोर्ट में पिटीशन की, हमारे साथ कुछ और भी पिटीशन आ गए। अब आजकल ये हुआ कि लोगों ने, आप यूट्यूब के मेहरबानी से लोगों को लीडरशिप की ऐसी बीमारी लग गई कि उन्होंने खाली यूट्यूब में हमारे बाइट्स आना चाहिए, हमारे न्यूज आना चाहिए, हमारी फोटो आना चाहिए, ये मकसद के लेकर आगे बढ़ने वाले बहुत सारे ज्यादा लोग थे पिटीशन दाखिल। और कुछ लोग तो पिटीशन के जरिए एमएलए बनने की भी ख्वाब देख रहे हैं, जबकि मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूं कि 1996 में मैंने इस्ते लाया और 2000 में कॉर्पोरेशन ने इलेक्शन में मुझे कॉर्पोरेशन ने पब्लिक ने हरा दी। तो ये कोई इलेक्शन में जिताने की पोस्ट नहीं है, काम नहीं है, ये सामाजिक काम था। दो समाजों के बीच में जोड़ पैदा रहे, इनमें मोहब्बत रहे, इनमें तालमेल रहे, शहर का अमन आमन कायम हो, शहर का विकास हो, ये मकसद के तहत ये हमने इस पर लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा हमारा सब कोई मकसद था और आज भी इसके सिवा हमारा कोई मकसद नहीं। खैर, हाईकोर्ट में हम सब गए। हाईकोर्ट में जाने से ये हुआ कि जजेस को तो मौका मिलता है, कंफ्यूजन में डाल दिया गया कि पहली बात दो नोटिफिकेशन निकालने गए, पिटिशनर 10-20, ये सबकी पिटिशन को मिक्स कर दिया गया और कॉमन जजमेंट ये दिया गया कि रिजेक्ट करना चाहता है। हालांकि होना ये चाहिए था कि हमारी पिटिशन में हमने 3 लाख पेजेस जीरोस किए, 3 लाख पेजेस, 100 से ज्यादा हिस्ट्री की किताबों पर हमारे वकील ने स्टडी की, 8 घंटे तक सीनियर हमारे एडवोकेट यूसुफ मुशाला की 8 घंटे बहस हुई। 8 घंटे की बहस को तो 8 सेकंड में फैसला देते, ये इंसाफ है? अब इस मुल्क के हम दस्तूर को मानते हैं, हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, अदालत के फैसलों के खिलाफ हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमको तकलीफ तो होती है, ये तकलीफ है, इस तकलीफ का इजहार हमें कैसे करना चाहिए? हम इतना तो कह सकते हैं कि ये जो फैसला हाईकोर्ट ने किया है, ये फैसला नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, जज का फैसला हो सकता है, हम इसको इंसाफ नहीं है। अब हम उसके खिलाफ हमको सुप्रीम कोर्ट जाना था, सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई तक छुट्टी पर था, हमने वहां पिटीशन दाखिल की। पिटीशन दाखिल करने के बीच में उस्मानाबाद की हियरिंग होगी और उस्मानाबाद की पिटीशन को रिजेक्ट किया गया। अब देखिए, हैरत अंगेज बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ने उस्मानाबाद का नाम, उस्मानाबाद का इशू भी जो है, पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, 28 साल उसको स्टे रहा और अब वो लोग जब इंसाफ मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो इस पर कम से कम घंटा आधा घंटा तो बहस होना चाहिए। 3 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला देके रिजेक्ट करने का। अब आप बताइए हमने कहाँ जाना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट में तो मुसलमानों ने जाना कि नहीं जाना, हमारे सामने मसला आ गया। राम मंदिर का इशू आया, सारा जजमेंट चीफ जस्टिस के कोई सबूत नहीं है कि राम मंदिर है, लेकिन हम आस्था की बुनियाद पर यह फैसला करते। आस्था क्या? आस्था को कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कानूनी जवाब है आस्था? लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हमको मानना पड़ा। उसके बाद अभी आपका हज 3 तलाक का मसला आया। 3 तलाक टोटली ये इस्लामिक इशू है और हिंदुस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुस्लिम खवानीन को मोमेंटन ला, मुस्लिम पर्सन ला के नाम से जो एक एक्ट, यानी मुस्लिम मसाइल जो भी होंगे वो मोमेंटन ला के तहत चलेंगे दस्तूर ने पास किया।
उस दस्तूर के मुताबिक ये इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन कहाँ जाए, जब सैया बन गए थानेदार तो डर का हो गया। गवर्नमेंट खुद भी फैसले करती करे, हम तो इनका उनको अख्तियार है क्योंकि मेजोरिटी आती इलेक्शन चुनकर, लेकिन अदालतें इंसाफ के लिए होती। आज पाकिस्तान में इंसाफ के लिए लोग लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता भी जागी नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही जमात पर अन्याय हो रहा है इसलिए नहीं जागी, जब दूसरों पर होगा तो भी आएंगे। आप देखिए पड़ोस में क्या चल रहा है, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में चल रहा है। तो जुल्म जब अब उल्टा को पहुंचता है तो फिर इंकलाब आते हैं, और इंकलाब कैसे आ सकते हैं आपके सामने मिसाल। तो मैं इस आज इस तस्वीर में न जाते थे इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो उस्मानाबाद के फैसले के बाद पूरे मीडिया ने, हालांकि बड़े बड़े चैनल, मैं उनकी किसी की बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो इतने बड़े इशू पर बोले तो उसकी स्टडी करना चाहिए कि क्या फैसला है किसके बारे में। लेकिन सब ने यह कहा कि औरंगाबाद उस्मानाबाद की पिटिशन रिजेक्ट करने आता लिया है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वहां सिर्फ एक ही विषय सुप्रीम उस्मानाबाद के विषय पर बहस हुई और उस्मानाबाद का केस चला। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटिशन का भी नंबर ही नहीं आया, अब 9 तारीख उन्होंने डाली है, वो भी शायद बढ़ने के इम्कान। तो मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है वो सिर्फ उस्मानाबाद के हद तक हुआ, इसका औरंगाबाद से कोई संबंध नहीं, नंबर एक। नंबर दो, हमारी पिटिशन अब जो सुप्रीम कोर्ट गई है उसकी बहुत शार्ट आपके सामने हिस्ट्री है, कि मैं शार्ट बात करना चाहूंगा कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था, तो आज हमारी अपील जो सुप्रीम कोर्ट में वो इसी बुनियाद पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था और ये वादा किया गया था कि आपकी बात सुनी जाएगी उसके बाद फैसला होगा, लेकिन उसी बीच में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन विड्रॉ करने की वजह से ये दोबारा पिटिशन इन्होंने जो निकाले नोटिफिकेशन, ये टोटली गैर कानूनी है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करने के लिए गए हैं कि जैसा आपने 96 में स्टे दिया था और हमारी बात सुनने का वादा किया था, हमारी आज भी ये रिक्वेस्ट है कि इंसाफ से हमारी गुहार है कि वो हमारी बात को सुने, स्टे दे, तफसीली पूरी पिटिशन की हियरिंग करे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसको मानकर उस पर अमल करने के लिए तैयार। ये हमारे बुनियादी। दूसरा इशू आपके सामने हमने इसमें रखा, अपने सबको बांट दीजिए, मिलेगा ना सब। तो उसमें सेकंड हमारा जो मसला है कि कोल्हापुर में विशालगढ़ के पहाड़, वहां पर जो पहाड़ी पर वाकया पेश आया, हिंदुस्तान की तारीख है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, शाहू महाराज हो, बाबा इवन संभाजी महाराज हो, इन्होंने मुसलमानों के साथ लेकर चला है। अगर नहीं चलते तो इनके खेलों के पास मुसलमानों के बंगले कहां से बनते थे, ये सब इनके फौज में शामिल थे, इनके साथी थे और इन सबको लेकर चला है। लेकिन आज बरसों, आज 500 साल से उनके घर वहां पर है और अब ये कहा जा रहा है कि ये इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट हटाया जाए। तो ठीक है, इंक्रोचमेंट है, इनको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है, हुकूमत की। हुकूमत कार्रवाई करने के लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन कोर्ट के मैटर की परवाह न करते हुए लोगों ने वहां जाकर घुसकर हमला किया और लोगों के घर तोड़े, गरीबों को मारा तोड़ा, यहां तक कि मस्जिद को तोड़ने के आपने खुद देखा है कि सारे वीडियो वायरल हुए। ये महाराष्ट्र की स्थिति में महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र के नाम पर एक धब्बा और कलंक है। महाराष्ट्र में आज तक ऐसा वाकया नहीं हुआ, दूसरे स्टेट में हुए होंगे, लेकिन महाराष्ट्र ये सबको लेकर चलने वाला, सबको इंसाफ देने वाला, हर सब हर समाज का यहाँ पे दूसरे से तालमेल मोहब्बत है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, संभाजी महाराज का है, शाहू महाराज का है, बाबा साहब अम्बेडकर का है, ज्योतिबा फुले का है, ये सब लोगों ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। और ऐसे वक्त जो है एक एक समाज को दबाने का और कुचलने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात की अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, तो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के अंडर में एक कमीशन बनाए, उसकी पूरी तहकीकात करे, जो जिम्मेदार है उनको पनिशमेंट करे, ये हमारा हमारी इससे अपील है। तीसरा मुद्दा पॉलिटिकल है कि आपने देखा महाराष्ट्र में पहले महाविकास आघाड़ी की हालत क्या थी, इस इलेक्शन में 48 में से 31 सीटें महाविकास आघाड़ी की आई, किसकी वजह से आई, यहां पर मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाने के लिए मुस्लिम समाज ने, दलित समाज ने पूरी ताकत से वोटिंग किया और ये इनकलाब महाराष्ट्र में आया। और जिस समाज ने इतनी ताकत से वोटिंग किया उनको एक सीट नहीं, 48 में 48 लोकसभा की सीट में एक सीट भी महाविकास आघाड़ी मुस्लिम को नहीं दी। ठीक है, उस वक्त इलेक्शन की गड़बड़ थी, जातिवाद का डर था, आपने नहीं किए, हमने उसको कंसिडर कर लेकिन वो तमाम था नाराजगियों के बावजूद हमने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया, अर्चना कर लाए 31 सीट।
उसके बाद एमएलसी का इलेक्शन, दो सीटें एमएलसी की मुस्लिम थी ऑलरेडी, वो किस पार्टी की थे उसे मैं बहस नहीं करना चाहता, या तो उन्हीं को कंटिन्यू करते या उनको हटाए तो रिप्लेस करके किसी और को देते, लेकिन ना उनको रिपीट किया गया ना वहां दूसरा किसी को दिया गया। महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार विधान परिषद मुस्लिम मुक्त विधान परिषद हुई है, महाराष्ट्र की तारीख में पहली बार सब कुछ। तो ये एक मसला है। तो ये जो दो वाक्यात हुए उससे महाराष्ट्र में मुसलमानों में अब फिर नाराजगी फैली, महाराष्ट्र के मुसलमानों का के इस मामले में अब वो सोचने में मजबूर है कि हमने तो पूरी ताकत से इनका साथ दिया, इसके बावजूद भी हमको नुमाइंदगी नहीं मिली। तो मैं नामांतर विरोधी कृति समिति की जानिब से मैं ये महाविकास आघाड़ी तमाम जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूँ आपके जरिए, जो कम से कम असेंबली और पार्लियामेंट और काउंसिल में किया वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा में आपने मुस्लिम समाज को भरपूर नुमाइंदगी देना चाहिए। हमारी डिमांड है महाविकास पार्टी के तीन पार्टियों, चाहे कांग्रेस, राष्ट्रवादी उद्धव सेना है, ये तीनों ने 12-12 मुस्लिम को देना चाहिए, 36 लोग महासमिति दिए जाने चाहिए, ये हमारी अपील। क्यों कि 1981 में 27 लोग चुनकर आए थे, 33 लोगों को टिकट दी थी कांग्रेस, 33 लोगों को टिकट दिया गया था, 27 मुस्लिम एमएलए चुनकर आए थे, लेकिन उसके बाद मुसलसिल मुस्लिम परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन कम होता चला गया और आज ये पोजिशन है कि हम 10 के अंदर रह गए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मेरी महाविकास आघाड़ी के जिम्मेदारों से अपील है कि वो कम से कम विधानसभा के इलेक्शन में मुस्लिम के साथ इंसाफ करें, और इंसाफ नहीं करते हैं तो क्या होगा वो भी मैं आपके सामने बताने बैठा हूँ। अगर इंसाफ नहीं होता है, मुस्लिम की भरपूर नुमाइंदगी नहीं दी जाती तो जो मुस्लिम जहाँ से चुनकर लाने की क्षमता रखता है नामांतर विरोधी समिति उसके पीछे खड़ी रहेगी और हमारे बैनर से उनको खड़े करके लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र माइनॉरिटीज को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये बात मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मैं एक पार्टी में हूँ, पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी वही कहता हूँ जो आपके सामने कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि ये हमारी सेक्युलर पार्टीज को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम वोटर भी अब जाग चुका है। मुस्लिम वोटर ये चाह रहा है कि हमारी नुमाइंदगी होना चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे लोग भी एमएलए होना चाहिए, हमारे लोग भी एमपी होना चाहिए, ये आप मुस्लिम की डिमांड है। इसलिए मैं अपनी पार्टियों से इस बात की डिमांड करता हूँ कि वो मुस्लिम को भरपूर नुमाइंदगी दे और अपनी पॉलिसी में चेंज लाए। खाली पार्टी के पद देना, पार्टी के पद देते हैं उसमें कोई अधिकार है ना उसमें कोई सम्मान, तो ये बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए। ये भी मैं आप लोगों से अपील करने जा रहा हूँ, और जो कुछ मेरे जहन में था मैंने आप सामने बात रखी है, इस पर अगर आप कुछ पूछना चाहते पूछ सकते हैं। देखिए औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगर, ये हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी अपनी कमेटी बना के केस लड़ेंगे, लेकिन उनको गाइडेंस करने का काम, उनको मशवरे देने का काम, उनको कानूनी और दूसरी तरह से जो भी हम हेल्प कर सकते वो हेल्प करने का काम महाराष्ट्र नामांतर विरोधी कृति समिति करेगी। उस्मानाबाद के लिए बातचीत हो गई वकीलों से कि उसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा मसला है मिनटों में खत्म नहीं होना चाहिए था, उसमें कुछ कोताही हो सकता है हमारे पिटिशनर की तरफ से भी रही होगी, तो उनसे उनके उकला से ही बात हुई और उन सब ने तय किया है कि वो अब जो है इसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वकील खड़ा करेंगे और उनको भी उसमें इंसाफ मिलेगा। औरंगाबाद के लिए अभी इस वक्त आज की तारीख में दो पिटीशन है, एक हमारी है और एक किसी और साहब की है, ऐसे दो पिटीशन, और हमारी पिटीशन को अभी तारीख 9 तारीख मिली है, लेकिन इम्कान है कि वो बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है कि 15-20 दिन में हमारी हेयरिंग हो जाएगी। भाई मैंने पहले इशारा कर दिया, अब ये आपके सामने मजीद कहने की जरूरत, भाई ओरिजिनल पिटीशन तो 95 से मैं लड़ रहा हूँ ना, मजीद पिटीशन की जरूरत क्या थी, लेकिन मेहरबानी आपकी बाइटें आएंगी, आपके फोटो आएंगे, तो इसके लिए अगर वो पिटीशन करते हैं तो इससे वो कौम क्या तरक्की कर सकती, जो अपने मफाद अपने नामो नमूद के लिए कौम के इशू को कुर्बान करने बैठे ऐसे क्या। मैं आरोप नहीं, जो मैंने कहना कह चुका हूँ, आप इसका मतलब आप लीजिए।
जाने से पहले आपने लोकल मंत्रियों से या मुस्लिम लीडरों से बातचीत की? देखिए, हमारी जो कमेटी है नामांतर विरोधी कमेटी समिति, ये ऑल पार्टी है, इसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये समाजवादी पार्टी है, जनता दल के लोग हैं, हमारे वकील साहब जैसे पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तबका हमारे साथ है, तो ऐसे सब लोगों ने सुने जरा पहले सुनिए, तो ये सबकी मिलकर हमारी 200 लोगों की कमेटी है, ये हमने सब ने मिलकर डिसीजन लिया और उसको इम्प्लीमेंट। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पत्रकार थे जो आज मौजूद नहीं है, उसको क्या कर सकते, उनकी जैसे उनकी कुछ मसरूफियात है, इनकी भी कुछ मसरूफियात हो सकती है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच होती ही नहीं, वहाँ गेटपीटी होता है, जस्टिस राय और जस्टिस भट्टी के बेंच पर केस चल रहा है। बड़े वकील लगाए क्या आपने? हाँ, हमारा अभी सुप्रीम कोर्ट का पैटर्न ये है कि पहले वहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, वो केस दाखिल करता है और जब हेयरिंग की तारीख आती है तो सीनियर काउंसिल खड़ा किया जाता है। तो हमारी कोशिश है कि पिछली बार भी हमारे वकील कपिल सिब्बल साहब थे और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि सिब्बल साहब ही वो केस लड़े। बिल्कुल सही है, नुकसान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी आपके साथ दिगर लोग भी और जाएंगे, तो इससे लगता है आपको देखिए महाराष्ट्र हाई कोर्ट में नुकसान हो चुका है, ये आपने जैसा बोले हैं ये सही है, ये मैं भी कबूल करता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये आजाद मुल्क है, किसी को रोका नहीं जा सकता। नहीं, उनको मालूम है ना सब, हमने जाकर क्यों बोलना चाहिए? पिटीशन आपकी पहले है या उनकी है? पिटीशन आज अभी है, पिटीशन इस वक्त तो हमारी पहले चल रही है, पहले आपकी दाखल। हाँ, नहीं दाखिल क्या थोड़ा हमने आज जिसके उसमें तरीका ये है कि जब पिटीशन दाखिल होती है तो उसमें फिर ऑब्जेक्शन प्रोसेस रहते हैं, तो सारे ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर करके हमारी पिटीशन नंबर पर आ गई, 9 तारीख हेरी हमको मिल गई, दूसरी पिटीशन को ऐसी डेट नहीं मिली। जी क्या बोले आप? इसमें कोई और वो नहीं कह सकते, हम अपने तौर पे जितना हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आप भी जर्नलिस्ट है, अगर आप इतना कॉमन सेंस से यूज नहीं करना चाहते तो मैं क्यों इसको फिर आप नाम कॉमन सेंस कॉमन से बोले नहीं करना चाहते तो मैं क्यों जब हाई कोर्ट में केस था तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे कपिल सिब्बल साहब से मुलाकात, क्या आपको अंदाजा था इसका मतलब क्या हाई कोर्ट में रिजेक्ट होने वाला है ये केस यहाँ पर? इससे पहले सुनिए, 2 मिनट देखिए, कानून के माहिर यहाँ जैसे वकील साहब बैठे, जज कोई भी जज कोई ऑर्डर करता है तो उसके क्लाइंट पर हक है वो अपील ला दिया केस का हाल रहता है, केस तो चालू था ना, तो हमारा केस यहाँ चालू था, हमने स्टे की एप्लीकेशन किए थे, हमारी कोर्ट जो की स्टे एप्लीकेशन उसके एप्लीकेशन केस हमारा चालू था। सीनियर जर्नलिस्ट हैं सत्य लोग, जब मैं आज ये बोल रहा हूँ मजदूर हुआ इसके बारे में कितने बार बोला गया तेरा अंदाजा लगा, आज आपके सामने बोल रहे हैं मजदूर हुआ होगा समझ लीजिए। पवार साहब नहीं गए, लेकिन पवार साहब के लोग वहाँ हमारे लोग एम की बात कांग्रेस का एमपी मौजूद था, वहाँ हमारे पार्टी के जिम्मेदार वहाँ मौजूद थे, वो जाकर आए। पवार साहब का थोड़ा चढ़ना तो नहीं, यहाँ भी एक फ्लोर नहीं चढ़ सकते हैं, तो बाहर चढ़ना मुश्किल। सर अक्सर आपके प्लेटफॉर्म से आवाज उठती है ये राष्ट्रवादी के तमाम हिंदू लीडर बड़े बड़े जैन पंडित साहब नाम देते हैं कि वो अनामत के खिलाफ है, ऐसी बात है। मेरा सवाल ये है कि लोग बैठे हुए हैं कि औरंगाबाद में एक हिंदू ऐसा सेक्युलर जिला से सदर बोलो अध्यक्ष बोलो तो दिखाई नहीं, क्यों नहीं दे रहा है? आप तो नाम अक्सर से कहते हैं लोग भी हमारे साथ है, हिंदू के लीडर के साथ नहीं है। सुनिए, पहली बात तो यहाँ जो लोग बैठे हैं ये कोई पार्टी की मीटिंग नहीं है, एक बात सुनिए, ये एक पिटिशनर की मीटिंग है, पिटिशनर तो पिटिशन में हमारे कमेटी के जो दो साथी हैं वो हैं, अब वो उसे दूसरे समाज ये फिर यही झगड़ा लगा देगा, मसला हो जा रहा था समझ, बरा मेहरबानी पत्रकार आजाद ये ना करें, तो ये हमारा मसला है, ये हम हमारे मसलों को हल करने के लिए समर्थ है, हम किसी और जरूरी
नहीं, अब देखो गवर्नमेंट ने कर दिया है तो वो मजबूरी है, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है। आज जो अच्छे लोग देखिए, जो अच्छे सेक्युलर लोग है आज भी हमारे साथ है, हमारे समर्थन में। बिल्कुल सही, औरंगाबाद के नाम को लेकर राजनीति यहाँ पर सारे लीडर्स कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? हमारे जो हमारी कमेटी या हमारी पार्टियां नहीं कर रही, कुछ ऐसे लोग जो यूट्यूबर ने जिनको लीडर बना दिया है वो लोग करते हैं, वो लोग करते हैं। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ भाई, हम सुने अंसारी साहब, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। नहीं सुने, उन्होंने अच्छा सवाल किए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मानते हैं, और कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए आखिरी अथॉरिटी है, वो जो मान कहेगी वो फैसला उनका जरूर मानना पड़ेगा, इंसाफ हो या मत। तो मैं यही कह रहा हूँ ना आपको कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, आप क्या करेंगे? आप पत्रकार, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, क्या करना चाहिए? पसंद आ गया, फैसला आने के बाद, वो फैसला आने के बाद फैसला लेंगे, वो फैसला आने के बाद लेंगे। अरे इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इस मुल्क के संविधान को मानना हमारा काम है। मुल्क जो है संविधान से चलता है, और मुल्क के अंदर जो है हमारे पास में अदालती सिस्टम है, अदालत के हर फैसले को हर किसी को मानना पड़ता है। अब आज हम देख रहे हैं हमारे अखबार में भी, हर अखबार में संभाजी नगर के बजाय औरमत के बजाय संभाजी नगर लिखे जा रहा है। अल्लाह का एहसान है भी, हमको कोर्ट के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं आया, इसलिए हम कोर्ट हो या पुलिस हो या कलेक्टर ऑफिस हो या तहसील हो, सब जगह हम औरमत लिख के देते हैं आज भी। और अगर चाहे कभी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो फैसले को तो हम मानेंगे, लेकिन फैसले को मानने के बाद जिस तरह इससे पहले राजीव गांधी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए कानून बदला, उस तरह से हम भी इंशाल्लाह ताला आने वाली जो भी हुकूमत रहेंगी उसके ऊपर जोर डालेंगे, दबाव डालेंगे और कानून बदलाएंगे। हाई कोर्ट में हम नाकाम हुए हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। हम हाई कोर्ट में हारे लेकिन हिम्मत नहीं हारे। हम लोग जो है तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे और हमारी लड़ाई जारी रहेंगी। हम हर हाल में ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जीतो या हारो, लेकिन आखिरी दम तक कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हम हाई कोर्ट में चले गए, अभी तारीख हमारे को 9 मिली, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए, लेकिन अभी तारीख जो है तो आगे पीछे भी हो सकती, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है, हम ना उम्मीद नहीं हुए।